ये पेंडिंग है, ये वाला अभी भी बाकी है। दिस इज डन। वेलकम टू अ न्यू डे, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। दिस इज योर स्टूडियो, लेट्स स्टार्ट। वेदर पे बन रहा है कॉफी और आज लंच पे बनेगा एक करी। और एक चीज़ जो अरिजीत ने एक्चुअली कल लाया था मेरे लिए ऑफिस से, वो है ये कुकीज़। तो ये भी मैं ब्लैक कॉफ़ी के साथ पीऊँगा, मतलब खाऊँगा। एंड बाहर पे जब कुछ ना कुछ काम चलते रहता है तो बहुत नॉइज़ आ रहा है, तो पता नहीं सामने जाए तो कोई कंस्ट्रक्शन है, तो अगेन द सेम थिंग, बहुत ज़्यादा ही आवाज़ हो रहा है, तो शायद आपको थोड़ा सुनने में दिक्कत हो, बट प्लीज़ बेयर विद मी फॉर दैट। और ये अंडे उबाल देने के टाइम ही जो है आपको थोड़ा विनीगर, जो सिरका होता है, वो एक ऐसा यू नो ढक्कन देना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि एकदम नीट एंड क्लीन जो है वो अंडा निकल के आए छीलने के बाद। ट्रिक फॉर यू। टिप्स जो मैं देना चाहता हूँ, जिसको बहुत प्लांट पसंद है और लगता है कि यू नो सिर्फ फर्टिलाइजर वर्मी कंपोस्ट देने से ही जो यू नो उसका ग्रोथ होता है, वैसा नहीं है। कुछ कुछ छोटे छोटे चीज़ भी है जो आप कर सकते हैं। अगर आपके घर में एक्वेरियम है तो उसका जो पानी होता है साफ करते हैं, वो पेड़ के लिए बहुत अच्छा है। आप एवरी डे जो वेजिटेबल्स होते हो या फिर राइस होते हो, जैसे यहाँ पे आगे देखेंगे मैंने राइस धोया, ये जो पानी है, ये भी पानी अगर आप देंगे पेड़ पौधे को जो आप घर में रख रहे हो, या वो भी बहुत अच्छा है। अभी जो है यही पानी अपने पेड़ को। एंड दिस इज नॉट अ मेड अप स्टोरी, माँ ने मुझे सिखाया है, मैं देखा हो कि लिटरली आई हैव सीन द ग्रोथ एंड आई हैव सीन द चेंज मेरे घर पे जो प्लांट्स है। इधर पे मैं भी करता हूँ तो कुछ कुछ मुझे तो वो दिखता है, डेफिनेटली दैट्स अ वेरी एविडेंट थिंग। बट या ऐसा नहीं कि सडनली वो आपको चेंज देखने लगा कि पेड़ बहुत बड़ा होने लगा, बट उनके लिए अच्छा है ये चीज़, तो वी कैन डेफिनेटली यूज इट। एंड यू कैन हियर द नॉइज राइट, ये बेसिकली इधर जो कंस्ट्रक्शन साइट इधर से आ रहा है। एंड आई अगेन आई एम श्योर दैट आप लोगों को प्रॉब्लम होगा शायद सुनने में, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। रिसेंटली एक चीज़ मैंने फेस किया हुआ है और ये मुझे लगता है आई थिंक सबके साथ होता होगा कहीं ना कहीं पे, कोई डिफरेंट यू नो फील्ड पे, जहाँ पे आप दो चीज़ साथ कर रहे हो तो एक का इन्फ्लुएंस जो आ जाता है दूसरी जगह पे। तो सिमिलरली मेरा भी हुआ है कि मेरा भी ऐसे आपको पता है कि दो चैनल है, ये वाला और दूसरा फूड ब्लॉगिंग चैनल राइट, फ्लाई फॉर फूड। अगेन आई लिंक पर दिया हुआ है, आप जाके वो सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से जल्दी, बिकॉज बहुत सारे नए ब्लॉग आने वाले हैं, ऑलरेडी आ भी चुके हैं बहुत सारे। क्या होता है ना कि यू नो लाइक जैसे मेरा इंट्रो रहता है ठीक है, या फिर आउट्रो भी रहता है, वो ये चैनल पर जब मेरा रेगुलर ब्लॉग आता है तो मेरा आई एम काइंड ऑफ गेटिंग यूज टू विद इट, हैबिट हो चुका है। द मोमेंट आई शिफ्ट दैट और जब मैं वो शूट करता हूँ तो उसका डेफिनेटली इंट्रो एंड आउट्रो डिफरेंट होता है राइट, होना भी चाहिए। तो उसमें जब उसका इन्फ्लुएंस आ जाता है, मैं कभी उधर भी बोल देता हूँ कि यू नो दिस इज योर स्टूडियो, वो चीज़ जो है कभी कभी मिस हो जाता है या फिर मिक्स एंड मैच हो जाता है, तो फिर अपने आप बोलना पड़ता है नहीं नहीं दिस इज़ डिफरेंट, दैट वॉज डिफरेंट। सो ये चीज़ अगर आपको भी ऐसा कुछ फेस होता है तो प्लीज़ मुझे लिख के बताइए। अगर विनीगर यूज़ करके जैसे मैंने ट्रिक बताया ना, तो तब जाके ऐसा जो है गोल मटोल, गोल तो नहीं है बट इतना जो है सही शेप में जो अंडा निकल के आएगा छीलने के बाद, डू ट्राई दैट एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स अगर ये आपके लिए भी हेल्पफुल है। और एक भी टिप्स मैं आपको दूंगा, वो है ये कि जो आप राइस बनाने के बाद जो स्टार्च जो है ना वो बच जाता है, वो स्टार्च जो होता है अगर आप राइस कुकर में नहीं बना रहे हो तो पानी के साथ वो स्टार्च रहता है, वो जो है पेड़ के लिए आउटडोर प्लांट नॉट इंडोर प्लांट और भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। गर्मी में फ्रिज के सामने ऐसे खोल के बैठने में क्या मस्त मज़ा आता है राइट, बचपन का याद आता है। लहसुन, खड़े मसाले सब चले गए अभी तेल में, अभी इसके बाद जाएगा प्याज, ये भी और ये पेस्ट भी। प्याज फ्राई हो रहा है, ऑलमोस्ट रेडी, अभी बनेगा ये जिसके साथ है टमाटो प्यूरी के साथ सब मसाले, इसका मिक्स जाएगा इसमें। और ये पूरा मिक्स होने के बाद कुछ दिखेगा इस तरह,
और ये है बैचलर्स लोग के लिए टिप्स, जल्दी जल्दी कर करना है तो एक साथ जो है सब प्यूरी के साथ सब मसाले मिला के प्याज में दे दो, सो उसके बाद जो है बहुत जल्दी जो है खाना पक जाएगा। टमाटर है इसलिए नमक स्वाद अनुसार, मैं ज़्यादा नमक एक्चुअली खाता नहीं तो मेरे लिए ये जो है एक चम्मच काफ़ी है, चाहे तो ज़्यादा भी दे सकते हो। और अभी इसमें जाएगा आलू, आलू अगर आप चाहे तो स्मैश कर भी दे सकते हैं तो उसका टेक्सचर अलग हो जाएगा, नहीं तो आप ये ऐसे डाल दें। क्या बताओ मैं अपनी लाइफ की पीड़ा, लेने गया था मैं धनिया लेके लौटा दो पैकेट जीरा। अभी द लास्ट आइटम व्हिच इज अंडा। बीच में जो है मैं वीडियो एडिट करते करते जो है थोड़ा आग लग गया था तो सोया वैसा नहीं है बट थोड़ा रेस्ट लिया मैंने, व्लॉग अपलोड भी हो गया जो ब्लॉग। और अभी मैं जाऊँगा थोड़ा बाहर, और बाहर जाने का रीज़न ये है कि ये वाला जो आपको दिख रहा है जो ये मिक्सर का जो जिसमें सब यू नो मसाला या कुछ भी हो जाए जिसमें हम लोग पीसते हैं, ये बड़ा वाला है तो इसमें अगर आप देखेंगे इधर पे एक छोटा सा जो है डैमेज है, और मुझे बहुत मन हो रहा है अभी यू नो इस बीच समर में कि थोड़ा कोल्ड कॉफ़ी पीऊँ, एंड आई डोंट वांट टू गेट अनदर दिस जिसका आप बोलते हैं ना। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। स्मूदी ग्राइंडर जो होता है वो मुझे नहीं चाहिए अलग से, बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी ग्राइंडर है और ये जब तक यह चल रहा है तो यू नो व्हाई नॉट यूटिलाइजिंग इट, बेकार पैसे खर्चे करने का कोई मतलब नहीं है। ये जो मैं देखूंगा अगर इसका ऊपर वाला ये डब्बा जो है सेपरेटली अगर मिलता है तो वो ले लूंगा, अगर नहीं है तो फिर शायद एक कुछ अलग ही सोचना पड़ेगा मुझे, या फिर शायद एक्चुअली लेना पड़ेगा स्मूदी ग्राइंडर, पर अभी के लिए जो है इसे ठीक करने के लिए जा रहा हूँ। सुबह से जैसे मैं बता रहा था अभी भी अगर आप देखेंगे तो मतलब सुन सकते हो शायद कि पता नहीं क्या, तो भी कुछ से भी काम होते जा रहा है जी, बहुत ज़्यादा ही नॉइज़ हो रहा है। आई होप कि ये जो है ज़्यादा दिन तक ना चले, अगेन नॉट श्योर। गर्मी में जो है ना मेरा स्कूटी अकेला हो चुका है, और इसको मैं यही बोलता अकेला हूँ ट्रस्ट मी, जस्ट बिकॉज जो है तेरे पास एसी नहीं रहता ना तो वो जालिम जो उधर पे खड़ा हुआ है वो मैं लेता ही नहीं, कौन सब जाए तो समझता ही नहीं है। ये ना मेरा इसका देखिए ना म्यूजिक का डब्बा का ये, और ये आ गया मेरा चिकन मोमो, बहुत दिन बाद खा रहा हूँ इधर से। और अभी जो है बहुत मन कर रहा था मुझे एक बार मैंगो जूस पीने का, तो अभी इसलिए मैं आया हूँ इधर पे मैंगो जूस पीने के लिए, एंड सोचा था कि यू नो कुछ डिफरेंट ट्राई करूँगा बट भाई मैंगो का सीज़न है तो दूसरा कुछ ट्राई करने का मन ही नहीं हो रहा है। अभी मैं आया हुआ हूँ इधर पे थोड़ा स्विमिंग पूल में बात करने के लिए, पता नहीं एनरोल करूँगा कि नहीं बट जस्ट टू चेक कि क्या है नहीं है इधर का चार्जेस। ओके सो दो महीने के साथ एक फ्री है, बाकी के साथ कुछ फ्री नहीं है बस डिस्काउंट्स है राइट। सो टोटल जो है 3 to 6 feet है जैसे आप देख रहे हो, और बहुत ही बड़ा है जगह, बट द ओनली थिंग इज द कंसर्न इज दैट इसका पानी का क्वालिटी देख के तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है बट क्लोरीन का बहुत स्मेल है। ब्लॉग में जैसे बताया था कि मुझे चाहिए था एक रूम क्योंकि मेहमान आने वाले हैं, तो मैंने वो बुक कर लिया। अभी ये है वो प्रॉपर्टी जहाँ पे मैंने अभी बुक किया हुआ है, एंड क्या है नहीं है वो आपको आगे जाके ब्लॉग में पता चलेगा। घर आके डिनर करके ऑलरेडी जो है सब काम हो चुका है जो भी पेंडिंग था आज, अभी चल रहा है एडिटिंग, और ये एडिटिंग चल रहा है मेरे चैनल के लिए नहीं बट फ्लाई फॉर फूड में जो ब्लॉग आने वाले उसके लिए। चैनल अभी भी सब्सक्राइब कर लो अगर अब तक नहीं करे हो तो, ये जो है प्लेस जहाँ पे हम लोग गए थे ड्रक, तो ये तो मैंने आपको ऑलरेडी पिछले वाले ब्लॉग में बताया था। और जो स्विमिंग पूल में गया था मैं उसके बारे में बता दूं कि उधर पे जो आपने रेट चार्ट देखा और जो सब आपने देखा, पर उसमें मेरा एक ही कंसर्न है बिकॉज ऑफ द क्लोरीन वाटर, और बिकॉज मैं बाल बढ़ा रहा हूँ और मेरा जो आंखों का पावर, ये दो इशू जो है जिसके लिए मैं थोड़ा डर रहा हूँ, तो आई प्रॉब्ली वुड चेक अनदर वन जो मुझे अरिजीत ने बताया। अभी अरिजीत भी अभी है इधर पे, एंड वो और एक दूसरा है स्विमिंग
जो कि रिसेंटली ओपन हुआ है स्विमिंग पूल, क्लासेस भी होता है उधर पे, तो उधर पे जाऊंगा, उधर पे देखूंगा अगर क्लोरीन का कुछ इशू नहीं है। मतलब क्लोरीन डेफिनेटली हर जगह पे देते हैं, बट अगर लगा कि हाँ वो बेटर है फीडबैक और ये सब देखने के बाद, फिर जब जो है उधर पे कोशिश करूँगा कि उधर पे अगर जाके एनरोल किया हुआ जाए। जो ब्लॉग है इसको फिनिश करना है, एडिट करना, आई एम नॉट श्योर कितना टाइम लगेगा, उसके बाद सोऊंगा। और दैट से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग टिल नाउ। अगर आपको ब्लॉग ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, अगर आप नहीं किए हो और आप नए हो इस चैनल पे। और अगर आपको ब्लॉग बहुत अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अभी जो है दो जन के साथ एटलीस्ट शेयर करिए, लाइक करके जाइएगा, अनलाइक भी करिए अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है। बट डिसलाइक करने के टाइम कमेंट्स में प्लीज़ बताइए कि क्यों आपको अच्छा नहीं लग रहा है। एंड दिस इज़ योर जोडो, सी यू इन द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग, एंड अंटिल देन बाय बाय एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।